हे दुनिया के मालिक, एक एहसान कर, जो परेशान है ना उसे और ना परेशान कर। क्या कितनी? एक किलो है। 1 किलो? आधी किलो की सब्जी बनाई है और आधी किलो। आधी किलो कच्चा खाऊंगा मैं रोज 50-100 ग्राम। वेरी गुड। पराठा नहीं खाया इसलिए पपीता आ गया, लेकिन ये इसे भी नहीं खाना चाहता। अब खा ले जल्दी पपीता या फिर पराठा, वरना पापा करेंगे पिटाई। क्या कर रही हो? पराठे बना रही हो? अच्छा, जी क्या कर रही हो? हैं ना ना, पापा क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। एलिफेंट। एलिफेंट ठीक है, जो भी है बोल आगे। एफ फॉर फिश। फिश में, फिश माने मछली। जी फॉर जिराफ। जिराफ माने अंगूर। घोड़ा माने H4 hen means मुर्गी। N W for watch, Y for yard, X for X-ray, Y for jug, Zebra. Very good. Apenard. जी क्या है बताओ? आप बताओ। ये है खाना जो। हाँ भाई काजल जी, नाच कर दे। रख आओ देखो, लेट आ जाएगी। ये बाबा ना ले ले ना ना रे ना 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 ये सवेरा मैं तेरा हो लिया। किसके हो गए तुम? किसके हो? बाबा जी गले लगा ले। आगे ना आई आवाज। मैं तेरा हो लिया, वो मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा। चाय पीनी है आपको? पहले ही बताऊं। ठंडी हवा। अभी रुक जा, आप तुझे खेल कूद करा दूं तेरी। नहीं। चलो तो चलो। आज हुई है बारिश। बारिश हुई है, देखो छत पूरी गीली। वैसे तो उसमें गीली रहेगी डेली, आज और ज्यादा होगी। किस किस के यहाँ बारिश हुई है कमेंट में जरूर बताए। हमारे यहाँ तो खूब तेज बारिश हुई है। हमारा खाना पीना हो चुका है। आज मैंने बनाए थे बथुआ के पराठे, तो मम्मी खा के सो चुकी हैं और मैं और पार्थ भी अपने रूम में आ चुके हैं और ये गए हैं बाहर। और पापा यहाँ पे है नहीं, वो गए दीदी शिवानी और मनीषा, सॉरी मनीषा दीदी और शिवानी के यहाँ पे। अब चलो भाई रजाई में बैठ जा। मैंने सिर धोया आज, पता कैसे सूख है बाद, क्योंकि आज सैटरडे है, मेरा है फास्ट। शुक्र है मैं तो पराठे खाने से बच गई, वरना भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी। रोज की रोज पराठे, ऐसे ना तो ऐसे मोटे हो जाएंगे ससुरे। मोटे हो या ना हो, यू पेट जरूर निकल जाएगा। यू घटने में आता है ना और बढ़ जाएगा इतनी जल्दी। भूत। यू एक ऐसा भूत है जिससे हमें डरना ही पड़ा है। ओ मैं तो डर गई। डर गई डर गई डर गई। यू भूत बहुत ज्यादा बदतमीज है। डर गए? हाँ सब डर गए, सब तेरे भूतानी शक्ल है देख कर। अंदर बैठ जा, बहुत ठंडी हवा चल रही है बारिश की। भूत को डर नहीं लग
भूत को ठंडी लगती है। भूत को अभी डरा दो, अभी डरा दो भूत को, डरा दो अभी लाइट ऑफ करो और अभी रूम की कुंडी लगाओ। दे भूत तो भूत, भूत का बाप भी डरेगा। आएंगे अभी दोनों बाप बेटा डरते हुए। चलो 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 अंदर चल पार्क। कोई और भी दिख रहा हूँ मम्मी हर के, जैसे मम्मी हमसे कह रही कई और के बालक भी है जिनके घर में से शोर आ रहा हो, हम ही हो ऐसी पार्क कोई और भी है जो बाहर घूम रहा, जिसको घूम रहा हो। देख पूरी गली में कोई भी ना हो बेटा, यू अच्छा स्टैंड बना रखा था ना यहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ को, देखता रहेगा और ये अब चढ़ जाएगा बस। क्या है आज सासू दीदी भी दिख रही, देख ले मम्मी, यो हमारी बड़ी मम्मी घर है भी ना, मम्मी भी ना दिख भी रही। और यू हमारा बेटा, क्यों पूछो, नहीं पूछ रही। हमारा विशु बड़ा कहवे दीदी यहाँ एक खासियत है, सबके यहाँ नीम के पेड़ मिलेंगे। देखो यहाँ घर में भी कितनी हरियाली, मतलब देख लो सबके पेड़ वेड़ है। चिराग भाई का घर भी देख लिया। ये बोले इतना यहाँ पे बेड पे ऊपर चढ़ाओ भी ना जाता। बंदूक कहाँ तेरी बंदूक, अच्छा बस देख ली तेरी बंदूक देगी। उनके पास तो उससे भी ज्यादा तगड़ी बंदूक है। नहीं नहीं हाँ अच्छी नहीं लग रही। क्या ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तारीफ करनी ही करनी है, नहीं तो मार मार सत्ती करेगा। बोलो अच्छी है, अच्छी है, देखो बहुत अच्छी है बहुत। हाँ मर गए बस मर गए तुम मर गए बस। तो ये वीडियो ऑन डिमांड आई है, ये है 3 साल की बच्ची की डिमांड कि उसको हमारी बांगरो बहुत अच्छी लगती है। और बांगरो ये नाम मैंने ही रखा है और जो मुझसे ज़्यादा पार्थ बोलता है। एक दिन मैं बुग्गी पे बैठ के वीडियो बना रही थी तो पता नहीं बांगरो सॉन्ग है या लाइन है मुझे याद नहीं है, तो जैसे ही बांगरो आया ना मैंने ऐसे कर दिया। तो उस दिन से ही पार्थ उस मुझसे भी ज़्यादा पार्थ भैंस को बांगरो ही बोलता है, हमारी जो बड़ी वाली भैंस है उसके लिए। तो जितनी बार भी बांगरो नाम सुना है, वो छोटी सी बच्ची है, वो कहती है मम्मा मुझे बांगरो वाला व्लॉग देखना है। बांगरो अब जल्दी से मेरा ये वाला व्लॉग वायरल करा दे, फिर तुम मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। बांगरो व्लॉग बाहर देख रही, बाहर बहुत ठंड है, इससे तो पार्थ बहुत डर है, इसे मैं भी ना खोलती। कल कोई भी नया घर धूप सी निकल गई, फिर मैंने दोनों भैंस बाहर बांध दी, फिर मैंने बांगरो ही निकाली, ये वाली ना निकाली क्योंकि ये मार है ना। देख देख कैसा आ रही, खाएगी यू, खाने की चीज है कोई, यू अच्छी तो है भाई। चल बांगरो पार्थ आ रहा है, फिर बांगरो ही बांगरो कर रहे हैं, जितनी बार निकलेगा ना बस बांगरो, मम्मी हमारी बांगरो, इसको तो कहे ये तो गंदी है, ये मारा है बहुत ज्यादा। बांगरो तेरी बांगरो खड़ी है, बाय बाय, आज बाहर नहीं निकलोगे, बहुत ज्यादा ठंड है, बारिश हो रही है उससे बहुत ठंड है। अच्छा इसे तो बाहर निकलना, कैसे नाड़े हिला रही है ना। से ज्यादा ना पार्थ के मुंह से बहुत अच्छा लगा है। पार्थ क्या नाम है हमारी बड़ी भैंस का, कौन सी बड़ी वाली का, जो मेरे मारती नहीं है? मारती है? नहीं जो मारती नहीं है, खेत पे जाती वो, क्या नाम है? बांग। हाँ तेज बोलो, बांगरो। हाँ बांगरो बहुत अच्छा नाम मिल गया हमारी भैंस है, हमारी वीडियो से है ना। पार्थ तो बांगरो ही बांगरो करा है, पता है आप बांगरो बोलते हो ना भैंस को, और जैसे कई बार व्लॉग में भी बोला है आपने, एक छोटी सी बच्ची है बहुत अच्छी कायरा के जैसी।
और वो भी ना बांगरों को देखती है व्लॉग में। हाँ मुझे पता है, अब वो ना अपने अपने ना पापा के पेट में चले गई। कौन? वो मेरी मीमो। अच्छा मीमो, मीमो की बात नहीं कर रही मैं। जैसे आप छोटे से बच्चे हो ना, ऐसी एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी मम्मी के फोन में हमारा व्लॉग देखती है। अच्छा, तो वो कहती है जैसे आप बोलते हो ना बांगरों के लिए, तो उसे भी ना बांगरों बहुत अच्छी लगती है आपकी तरह। तो उसके लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ थैंक यू। गया किसका? अरे हमारी बांगरों का, हमारी बांगरों का बच्चा मर गया। वो मर गया और क्या, अब आएगा नहीं? नहीं, अब जब बांगरो दोबारा भी आएगी ना, जब आएगा बांगरो बच्चा, छोटा सा मीमी छोटी सी है ना, जैसे मारे थे। हाँ ऐसी हमारे घर पे होगी छोटी सी मीमी बांगरों की। अच्छा मैं तो भूल गया वो वाली मीमी। कौन सी वाली? जो बुआ के घर रहती है। वो तो उनकी थी, देख वो रही तेरी बांगरो। ये नहीं, ये नहीं है। पहचान ऐसे तो पार्थ है, हटियो देखने तो दे। हाँ ये हट नहीं रही, देखने नहीं दे रही बांगरों को, बहुत बुरी भैंस है। देख और वहाँ टच हो रही है, इसीलिए तो पार्थ को अच्छी नहीं लगती है। तू है गंदी और बहुत बुरी। सुन ले तेरी तारीफ में कितने वर्ड बोल दी। बांगरो बांगरो देख मस्त है वो, नींद आ रही हो उसे? कैसे साइलेंट खड़ी है, क्या हुआ? तुझसे ना कह रही है बांगरो, कैसे चुप खड़ी है? ओ खाने की चीज खा रही है। इसे तो ऐसे लग रही खाने की चीज है, इतना डर है पार्ट तो इससे पर्दा भी पल्ली गिर दी। बाय बाय, ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच उस छोटी सी बच्ची के लिए जिसको हमारी बांगरो बहुत पसंद है। दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो हमारे वे अपने, जो हमारे साथ रह के हमारे दिल को भेद ले और बाहर हंस हंस के दुनिया के सामने बताओ।